गाइस आज पता क्या हो गया है, मेरी जो इस फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड थी ना, तो वो हो गई है किडनैप्ड। तो आज हमें जिया जाना है ये वाली गाड़ी लेके। और ऊपर से पता क्या सीन हो गया है कि जो लड़की किडनैप हुई है ना, उसी लड़की की किडनैपिंग में एक बोट यूज करी गई है, जो बोट है मेरी, वो भी पूरी की पूरी समुंदर के बीच में खड़ी थी। और मे भी शायद से यहाँ से दिख जाएगी आई, वो देखो गाइस वो खड़ी इतनी दूर, मैं तुम्हें दिखाता पास जाके। और सभी के सभी भाई यार नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक का बटन दबा दो, जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया। अभी दिखाते हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है। वहां पे एक बोट खड़ी है, उसके अंदर इस फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड किडनैप्ड है। तो तुम्हें स्नाइपर है क्या मेरे पास? यार स्नाइपर है, एक बार जूम करता हूँ तो ये देखो वो लड़की जो वहां पे सरेंडर कर रही है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो मेरे को जाके उसे बचाना है। तो गाइज देखते हैं अपन यहाँ से कैसे निकलेंगे, और उसे भी लेकर आना है गाइज यहाँ पे। और वो बोर्ड तो खैर मेरी ही है, मेरी बोर्ड तो खैर किधर भी नहीं जाएगी, बट मेरे को ना सबसे पहले उसको तो बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो जिंदगी है ना मेरे लिए खैर काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं अभी जा रहा हूँ उसी की तरफ कि कैसे करके बचा ले गाइस। यहाँ पे अगर एक एक सिंगल बोर्ड छोटी सी खड़ी हो ना, जिसके अंदर एक आग छोटा मोटा सा, भाई यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा मेरे को। ये एक चीज तो है गाइस, हमारी जो जीप वैगन है ना, इसके अंदर ऑफ रोडिंग बहुत प्यारी कर सकते हो आप सभी, बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग होती है इसके अंदर सच में। ओके अभी मैं बस पहुंच चुका हूँ, रास्ते में ही हूँ, और यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं, एक बोट का मेरे को दिख चुकी है। यहाँ पे बोट्स तो खड़ी है, काफी ज्यादा बोट्स खड़ी हैं। ओके तो मेरे को ये सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी लगा देनी है, और मैं जा रहा बोट्स के पास, और उसके बाद में यहाँ पे चढ़ के जल्दी से वो लेकर आऊंगा सामने जो लड़की खड़ी है ना उसको। तो जल्दी से बोट के अंदर बैठो और इसको लेके जाओ। अब पहले देखूं अगर इसमें कितने ज्यादा लोग खड़े हैं, तो उन लोगों को मालूम नहीं है कि मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इस लड़के को मालूम नहीं है, जो जितने भी बंदे खड़े हैं ना, उन सभी में से किसी को भी नहीं मालूम। थोड़े बहुत गार्ड खड़े हैं, तो देखते हैं यार कैसे मारेंगे आज इनको। तो यहाँ से आगे की साइड से तो मेरे को दिख रहा है कि यार काफी ज्यादा गार्ड्स खड़े हैं। इनको जूम करके देखा जाए तो इनके पास कोई ज्यादा बड़ी गन नहीं है, छोटी सी गन है, तो ये मैं इनको पकड़ सकता हूँ। अभी चलते हैं आगे की तरफ करके, और ना ट्राई करेंगे गाइस कि सारे के सारे बंदों को मार दे। और नीचे ना कुछ वो भी खड़े थे, मैंने नोटिस किया, तो नीचे वो भी खड़े थे खाना बनाने वाले। तो इन दोनों को पहले गार्ड्स को गोली मारनी है। जरा देखते हैं मेरे पास, ये देखो ये दो गार्ड्स हैं, इनके पास भी कोई बड़ी गन नहीं है, बट हाँ जो भी है इट्स ओके है। चलो इनको गोली मारते हैं एक करके करके, इसको तो गोली मार के खत्म कर दिया। ये वाला बंदा दोबारा उठ गया था, फिर से उसे गोली मार दिया। चलो अब पानी में जम मार के जाएंगे, क्योंकि आगे हमें जाना नहीं है, नहीं तो इंजन की आवाज उनके पास तक पहुंच जाएगी। वो बोट ना साउंड प्रूफ है गाइस, तो इसलिए उन्हें आवाज नहीं आती ज्यादातर। चलो यहाँ पे तो यार वो लोग खड़े हैं जो खाना वाना बनाते हैं, तो इनको कुछ कहना नहीं कहना मतलब सेम ही है। वैसे हम जाना चाहते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारा ये देखो एक लौंडा ये खड़ा, यहीं से गोली मार दो इसको। चलो अब ऊपर की तरफ चलते हैं। अरे यार ये इसकी डेड बॉडी बीच में गिर गई थी ना, तो सोच ये देखो गाइस एक और लौंडा यहाँ पे सो रहा है, ये इसको मार दो गोली, सो रहा था, इसको भी गोली मार के खत्म करते हैं। यहाँ पे जितने बंदे ना सबको स्नाइपर शॉट। और रे अरे 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 यहाँ पे बोट हिल रही है, तो उस वजह से बोट हिल रही है इस पट्टी के, पता नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि मेरे हाथ में जो गन है ना उस पे स्नाइपर लगा पड़ा है। जल्दी जल्दी मार देता हूँ सभी को फटाफट से। ओके सबको मार दिया मैंने, इन चार के चार बंदों को, छह बंदे थे टोटल जो बॉडी बिल्डर से थे इन सभी ने। ओ भाई साहब इसके पास गन देखो कौन सी पड़ी है, बुलपप राइफल पड़ी है गाइस। इस चार के चार बंदों को मैंने पकड़ के एकदम ढंग से भून दिया है। इसको भी मार दू, ये बंदा हाथ हिला रहा था ऊपर से, बट इसने कुछ किया नहीं। ये है इसकी गर्लफ्रेंड, तो इसको भी गोली मार देता हूँ। इसने ड्राइविंग अच्छे से क्यों नहीं करी, ये मेरा ड्राइवर था गाइस। ओके तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ अब सीधा बोट को हमारे उसी किनारे पे, जिस किनारे पे ये गाड़ी लगाएंगे हम। और इनकी सारी डेड बॉडी पानी में ही गिर गई है, जितनी भी डेड बॉडियां थी A to Z। ओके और भाई साहब चलो अब यहाँ पे मैं किसी भी किनारे पे लगा देता हूँ ये वाली बोट को, पूरा एकदम किनारे पे चढ़ा दूंगा गाइज, नहीं तो ये पानी में चली जाएगी वापस। और ये बहुत महंगी बोट है, तो गाइज इसमें कुछ मेरे को ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं करना। रुक, तो इसकी गर्लफ्रेंड ना बोट से नीचे उतर गई और उल्टी करने लगी थी, तो इसको मारता हूँ पहले, एक जाके चखू, क्योंकि ये ही उल्टा सीधा खाना बना के खिला रहा था ना। चलो ये मेरा बावर्ची था, मैंने सबको मार दिया यहाँ पे गाइस, सारे के सारे लोगों को। अब यहाँ पे मेरी जी वैगन के पास चलते हैं, और वो देख रहे हो यहाँ पे स्की ड्राइविंग सब कुछ होता है, जितने भी गेम हैं सब के सब खेले जाते हैं। तो गाइस जिसको भी गेम पसंद आए, तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अब इस लड़की को मेरे को छोड़ के आना है घर पे। चलो जरा मेरी जी वैगन यहीं कहीं खड़ी होगी, देखा जाए तो वो खड़ी। चलो
और वो पीछे पीछे आ ही रही है भाग भाग के, तो मैं उसका वेट करूंगा। इस गाड़ी का गेट खोल के अंदर बैठ जाओ। वो देखो पीछे ब्लू कलर की भाग के आ रही है, मैं इसको हल्का सा पीछे करूँ। चलो आने दो, आ जाएगी 2 मिनट में। और गाइस जिसको भी गेम पसंद आ रही है तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। सभी के सभी गेट खोल के अंदर चुपचाप बैठ जा। चलो अब इसको लेके चलते हैं हम यहाँ से। ओके यहाँ से राइट की तरफ जाके आराम से, ये हुई ना बात। अब मेरे को इसे ना बहुत दूर छोड़ना है, बहुत दूर, जिधर मेरा घर एक सीक्रेट घर है। मैं खुद के घर पे तो नहीं छोड़ सकता गाइस, फ्रैंकलिन के घर पे तो नहीं छोड़ सकता, तो मैं माइकल के घर पे छोड़ूंगा, क्योंकि माइकल एक मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है, तो माइकल ही इस लड़की को सेफ रख पाएगा। क्योंकि और माइकल का घर जितना सेफ है ना, उतना कोई घर सेफ नहीं है लॉस सैंटोस में, एक भी घर सेफ नहीं है। तो अभी मैं जा रहा माइकल के घर पे इसे रखने के लिए, क्योंकि यार ये वाली जीव है अगर ना भाई, सीरियसली ब्रो, इतनी ज़्यादा फास्ट भागती है और ऊपर से इतनी प्यारी दिखती है ना, कोई जवाब नहीं है गाइस इस जी वैगन का, सीरियसली। अब जल्दी जल्दी से इसे छोड़ के आऊँ मैं। अरे टकरा गई, कोई चक्कर नहीं, बट थोड़ी बहुत तो टक्कर होती रहती है। ठीक है भाई, दबे हम पहुँच ही गए हैं, रास्ते में ही हैं। और गाइस जिसको भी गेम पसंद आ रही हो तो अपने भाइयों को शेयर करना ना भूले, सारे के सारे मेरे भाइयों, और मिल के गाइस एक साथ सभी के सभी फॉलो और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा और दूर है बस, पास में ही है। उसके बाद हम यहाँ पे इसे छोड़ने के बाद जल्दी से स्विच करेंगे। ओके अभी सही जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट जा रहे हैं हम, ये हुई ना बात। तो बस कैसे भी करके वहां तक पहुंच गए हैं अपन, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। ओके आराम से। ओ भाई साहब गाड़ी की स्पीड कुछ ज्यादा है ना, तो उस वजह से ना थोड़ी सी ना क्या डिसबैलेंस्ड हो जाती है मेरे से, बट यार सीरियसली, अरे 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 बहुत सही, बहुत सही ब्रो, गाड़ी की ड्रिफ्टिंग और ये सब चीज़ें ना मैं तो एकदम परफेक्ट सीख चुका हूँ, बट थोड़ी सी गाड़ी बहुत ठुकती भुकती है, क्योंकि ये सिल्वर की बना दिया गया, इस पूरी की पूरी सिल्वर की बनाई हुई है ये, इसमें कहीं भी मेटल यूज़ नहीं किया है, करा है मैंने कहीं भी, किधर भी मेटल यूज़ नहीं करा, इसके अलॉय व्हील से लेके इसकी पूरी बॉडी तक मैंने सिल्वर डाला। और यहाँ पे से ले जाकर माइकल के घर के गैराज में गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी और लड़की दोनों सेफ रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जूडियो 5 के कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे इस पे सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गुड बाय।